झारखंड की राजनीति में आज कुछ बड़ा होने वाला है। सावन मास की शुरुआत हो गई है, ऐसे में फिजा का रंग तो बदल ही रहा है। झारखंड की राजनीति में भी कुछ नए रंग दिखने के संकेत मिल रहे हैं। सावन के हरे रंग पर भगवा रंग चढ़ सकता है, इस बात का संकेत दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे के दौरान ही मिल रहा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ पहले सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अंदाज बिल्कुल बदला सा था, उनके साथ भाजपा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को पीठ थपथपाना कुछ नया होने की और इशारा कर रहा था। एक दिन बाद ही गिरिहीट के तीसरी ब्लॉक में अपनी निर्धारित कार्यक्रम को छोड़कर आलाकमान के बुलावे पर बाबूलाल मरांडी का दिल्ली जाना सूबे में राजनीति के नए रंग को चढ़ने का संकेत दे रहा है। दिल्ली में बाबूलाल मरांडी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक प्रस्तावित है। यानी अब क्या झारखंड में एक बार बड़ा खेल होने वाला है? अब देखना यह होगा कि क्या एक बार फिर से झारखंड में जेएमएम और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है या नहीं।